तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए फ्रेश ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम डोमिनार का रिव्यू लेने वाले हैं, जो पीछे देख सकते हो खड़ा है। मैं आप लोगों को अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो। और कैसा लुक आ रहा है मेरे को सब कमेंट में भी बताना, कैसा लुक आ रहा है। अगर ज़बरदस्त लुक आ रहा है तो सब लोग कॉमेंट में बताना। एक बार राउंड अप करके दिखा देता हूँ। अभी तक मेरा सर्दी जुकाम ठीक हुआ नहीं है, तो देख सकते हो ओवर व्यू कैसा लग रहा है। तो आप लोगों को ये डोमिनार 250 है, अगर आप लोगों को पास से जाके दिखाऊं तो इधर देख सकते हो डोमिनार 250 है। डोमिनार 250 मतलब 250 है, लेकिन 248.8 cc का सिलेंडर बाइक है, मतलब वन सिलेंडर है। 248.8 cc का बाइक है और लिक्विड कूलिंग है इसमें, देख सकते हो। और इसका जो सस्पेंशन है देख सकते हो, इसका डाउन साइड है, डाउन साइड सस्पेंशन, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। ये अगर हमारे RS में भी लगवा देते तो बढ़िया होता है, लेकिन ये सस्पेंशन पड़ जा रहा है। खर्चा का इसका 18,000 के आसपास पड़ रहा है, तो उतना बजट अपने पास है नहीं, तो अपन लोग कर नहीं सकते हैं। और बाकी देख सकते हो पीछे से भी कैसा लुक आ रहा है, देख सकते हो तगड़ी लुक आ रहा है। बस बजाज का एक ही चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो है देखो, बाकी सब बाइक सब बढ़िया है, लेकिन ये जो टायर का आप लोगों को साइज दिखा देता हूँ, साइज कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये देखो 130/70। जबकि KTM में 125 cc का बाइक लो उसका भी दे देते हैं ये लोग, मतलब कम से कम कितना 140 या 150 सेक्शन का टायर देते हैं 125 cc। फिर भी बजाज में 250 cc हो के बाइक भी, फिर भी वो 130 सेक्शन का देते हैं। चलो बाइक के हिसाब से ये टायर उतना अच्छा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि फिर भी चेंज तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा रगड़ेंगे इस टायर को फिर उसके बाद चेंज कर लेंगे। और बाकी बढ़िया चीज़ देखो डोमिनार में, ये वाला देख सकते हो, ये देख रहे हो, ये वाला सबसे बढ़िया चीज़ है। टैंक के ऊपर एक डिस्प्ले दिया गया है और इधर भी डिस्प्ले दिया है, इसका कुछ लुक देख सकते हो। लेकिन थोड़ा धूल जम गया, रात को रखे थे ना, धूल जम गया तो उसको इग्नोर मारो। और बाकी अगर डोमिनार पसंद आ रहा तो सब लोग कमेंट में बताओ। और ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है ये वाला। और आवाज आप लोग को एक बार सुनाते हैं, आवाज में दम है, मैं ये खुल के बोल सकता हूँ, आवाज में दम है। एक बार न्यूट्रल डालते हैं, न्यूट्रल हो गया, एक बार आवाज सुना के दिखाते हैं आप लोगों को। आवाज सुनो एक बार, आवाज सुन ले, पूरा बेसी तगड़ी आवाज आ रहा है, पूरा भयंकर। और यहाँ उसका ऑयल कुछ दिया गया है इस तरह से। और इसका मैक्स टॉर्क है 23.5 Nm का मैक्स टॉर्क है, और उसका पावर है 27 PS का प्रोड्यूस करता है। और जैसे कि गियर स्पीड तो पता ही होगा, 6 गियर फीड है वरना पल्सर का, और एक N1 160 250, उसमें सब 5 गियर दिया हुआ था, इसमें देख सकते हैं 6 गियर दिया हुआ है। और बाकी इसका टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर का, लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि 32-35 के अंदर माइलेज आता है, वो तो चलाने के ऊपर डिपेंड है। एक बार माइलेज टेस्ट भी करेंगे कितना माइलेज देती है, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, फिर उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कंपनी जो क्लेम करती है वो 32 और 35 के आसपास बोलती है, फिर भी उनके भरोसे क्या रहना। अपन लोग टेस्ट करेंगे और देख सकते हो इंजन तो काफ़ी तगड़ी ही लग रही है। और बाकी क्या जानना चाहते हो, डुअल चैनल ABS है, आगे पीछे ABS है पूरा। और अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। तो इसी के साथ वीडियो भी यहीं पर एंड कर देते हैं, बस छोटी सी रिव्यू वीडियो था, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और एक अच्छे से डिटेल वीडियो करेंगे, क्योंकि चलाने के बाद ठीक से पता चलेगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा
वो भी आप लोगों को इसमें ही देखने को मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और एक फुल डिटेल वीडियो करेंगे। ये बस छोटी वाला था, तो ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय।